महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में एक हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। दर्जा दोम का घी मजीद 10 रुपये फी किलो महंगा, कीमत 360 रुपये किलो हो गई। एक हफ्ते में घी की कीमत में 15 रुपये किलो इजाफा हुआ, शहरी परेशान। अदामी सवारी मजीद महंगी हो गई, यामा कंपनी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 6,000 रुपये से 7,000 रुपये तक का इजाफा। YB125Z 6,000 रुपये महंगी, कीमत 1,90,000 रुपये हो गई। YBR125 की कीमत 7,000 से बढ़कर 2,11,000 रुपये हो गई। गैस तेजी से कम हो रही है, हमें रात को भी फोन आते हैं कि गैस नहीं आ रही, बच्चे को नमूनिया हो गया। 1200 mmC/fg की लाइन बिछी है, अगर कोई पीछे गैस रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं। MD सुई नॉर्दर्न की आवामी समात में शहरियों के सवालात पर जवाब। अली जे हमदानी बोले, अथॉरिटी ने कहा अगर गैस होगी तो कनेक्शन देंगे, डिवेलपमेंट नहीं होगी तो 29 लाख सारिफिन को कनेक्शन कैसे मिलेगा। प्राइवेट दफातर और स्कूल बंद करना पड़ेंगे, एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक के लिए दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। PDMA के ऑफिसर ने कहा रमा हफ्ते इंडेक्स काफी हद तक नीचे आया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं इतवार तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आपके कहने पर एक हफ्ता मजीद रुक जाते हैं। बगैर MTAG मोटरवे पर गाड़ियां चलाने पर पाबंदी की सदा पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि शहरों में MTAG लगाने की सहूलत दी जाए, भारी जुर्माने अदा ना करने तक लोग बाज नहीं आएंगे। दिसंबर आते ही मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां मुतवक्के, बारिशों के स्पेल रवामह पंजाब का रुख करेंगे, धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा, स्मोक भी बढ़ेगी। उधर शहर में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड, शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 397, टाउनशिप में 146, नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ 398 रिकॉर्ड, जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग, रायवेंड, शाहदरा आलूदा तरीन इलाके करार। बैनुल अक्वामी एयरलाइंस ने विंटर सीजन का शेड्यूल तब्दील कर दिया, फ्लाइट ऑपरेशन दोपहर और शाम के औकात में ऑपरेट होगा। एमिरेट्स, इतिहाद, वर्जन अटलांटिक, ब्रिटिश एयरलाइन का शेड्यूल तब्दील, विंटर शेड्यूल आज 1 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। कतर एयरवेज का फ्लाइट शेड्यूल 10 दिसंबर से तब्दील किया जाएगा, धुंध से हद्दे निगाह में कमी पर फ्लाइट शेड्यूल तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब पूरा ना हो सका, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम आखिरी सांसें लेने लगी। MCL की नाकिस कारकर्दगी के बायस अहम शाहराहों पर तजावुजात बरकरार, टाउनशिप, क्रीम ब्लॉक, अनारकली, लिटन रोड, इस्लामपुरा, बागवानपुरा, मुगलपुरा, फिरोजपुर रोड, लाल पुल में तजावुजात की भरमार, तजावुजात से ट्रैफिक जैम होती है जिससे आलूदगी फैलती है। कोरोना के जानलेवा वार मोहलिक वायरस 4 जिंदगियां निकल गया, 24 घंटों में 46 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। उधर हुकूमत ने बूस्टर डोज लगाने का आगाज कर दिया, पहले मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी, बूस्टर डोज लगवाना लाजिम नहीं होगा। पंजाब में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर शहर के मकीनों की वैक्सीनेशन मुकम्मल ना हो सकी, लाहौर में तकरीबन 41% लोगों की वैक्सीनेशन ताहाल मुकम्मल ना हुई, 59% से जायद शहरियों की वैक्सीनेशन होना बाकी, दिसंबर के आखिर तक 67 लाख से जायद शहरियों को वैक्सीन लगाना है। इंसदाद कोरोना के लिए 300 मिलियन दिए जाएंगे, DC लाहौर के महकमा खजाना को समरी, पहले इससे कबल दिए गए पैसों का हिसाब दें, महकमा खजाना का जवाब, समरी पर एतराज लगा दिया। महकमा खजाना ने PDMA से DC के खर्चे पर रिपोर्ट मांगी। डाकुओं ने पुलिस अहलकारों को भी ना बख्शा, कहना में रात गए 5 डाकुओं ने डॉल्फिन अहलकारों को लूट लिया। अहलकार शलजीत ड्यूटी के बाद घर को सूट जा रहा था, सोए आसिल के करीब वारदात हुई, मुकदमा दर्ज। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ TT स्कैंडल, गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, एहतसाब अदालत ने मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
PHA गैर कानूनी बोर्ड्स मार्केटिंग में मुबैना घपलों से नजरें चुराने लगी। नैब ने गुज़श्ता माह पेश ना होने पर DGPHA को कल दोबारा बुला लिया। मार्केटिंग विंग के स्ट्रक्चर और एडवर्टाइजिंग कंपनियों का डेटा, एडवर्टाइजिंग के मुआहिदों और आमदन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। रिंग रोड के अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक तौसी का मंसूबा, पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी, लागत 10 से 15 अरब तक तजावुज कर गई। वजीर कानून राजा बशारत चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तश्कील कमेटी बेबस। NLC से मुआहदे के 19 माह बाद रिंग रोड की तामीर शुरू ना हो सकी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान कहते हैं रिंग रोड अथॉरिटी की वर्किंग तकरीबन मुकम्मल है, हुकूमती तश्कील करदा कमेटी मंसूबे को शुरू करने की तैयारी कर रही है। रेलवे हुकाम का फ्यूल की कीमतों में इजाफे के असरात से बचने का मंसूबा, ऑरेंज लाइन ट्रेन से मुतासर होकर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने पर गौर शुरू कर दिया। बिजली से ट्रेनें चलाने के मंसूबे का PC1 वजारत रेलवे को इरसाल, लाहौर से कराची इलेक्ट्रिक ट्रेन रूट के लिए 300 अरब का तखमीना लगाया गया। लेक सिटी में सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स का अफ्तिताह, 24 घंटे सर्जरी अद्वियात की सहूलत मौजूद होगी। एडमिनिस्ट्रेटर लेक सिटी मेजर रिटायर्ड फारूक खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हस्पताल के इश्तराक से मेडिकल कॉम्प्लेक्स का अफ्तिताह किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर अवैस राउफ, MS यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हस्पताल, डॉक्टर जाहिद परवेज, डॉक्टर आतिफ काजमी और डॉक्टर मनसब समेत दीगर मौजूद थे। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को साल 2020 और 21 की स्कॉलरशिप देने का फैसला, मैट्रिक से ऊपर क्लासेस में जेर तालीम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। दरख्वास्तें 21 दिसंबर तक सरबरा जिला यूनिट से मंजूर करवाकर CPO में जमा होंगी। शहर में 3 नए CIA सेंटर बनाने का फैसला, सेंटर चूंग, डिफेंस और शाहदरा में बनाए जाएंगे, CCPO ने मंजूरी दे दी। CIA सेंटर इंस्पेक्टर की जेर निगरानी खुद मुख्तार वर्किंग करेंगे। पांचवें बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का अफ्तिताह, CCPO फयाज अहमद देव ने अफ्तिताह कर दिया। अंदरून शहर, लोयर मॉल, बादामी बाग, बंद रोड और शाहदरा के मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। 18 लाइसेंसिंग, 2 मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स, 5 ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर कायम। कैदियों का अस्पताल में चेकअप कराया जाए, सेशन जज ने जिना सर्विसेज और न्यू अस्पताल के MS को हिदायत जारी कर दी। अस्पतालों में कैदियों के चेकअप के लिए फोकल पर्सन तैनात करने का हुक्म। एक लाख एडवांस लेने के बावजूद वर्जिश की मशीन तैयार न की, सारिफ अदालत ने आई फिटनेस नीला गुंबद के मालिक के खिलाफ 1,20,000 की डिग्री जारी कर दी। मालिक ने दरख्वास्त गुजार को मौके पर रकम अदा कर दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, इकबाल टाउन सब्जाजार में मुतादिद इमारतें सरबमोहर और मिसमार कर दी, कार्रवाई डायरेक्टर टाउन प्लानिंग हुमा सईद ने की। जमा पूंजी से प्लॉट खरीदा, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारा पैसा वापस किया जाए, पाकर अब हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन सरापा एहतजाज, लिबर्टी वॉक ग्रुप के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी, मुतासरीन का हुकूमत से हक दिलवाने का मुतालिबा। DC ऑफिस में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी, साइलीन ने पटवारियों तहसीलदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तौफीर इलियास और ACCT फयाज अहमद ने मौके पर अहकाम जारी किए। LDA के जेरे तमाम प्लॉट्स का नीलामी आम, मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स नीलाम किए जाएंगे। जुबली टाउन, जौहर टाउन, सब्जाजार, ताजपुरा के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट शामिल, नीलामी की निगरानी LDA की ऑक्शन कमेटी कर रही है। सेक्रेटरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच की जेर सदारत PQCB का इजलास, अद्वियात के 100 केसेस पर कार्रवाई, 19 ड्रग कोर्ट्स भिजवाने का फैसला, एक केस में मुकदमा दर्ज कराने और 36 को वार्निंग जारी कर दी गई। गवर्नर पंजाब के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप कश्मीर एंड पाकिस्तान से मुलाकात, मिनिस्टर फॉर लंदन MP पॉल्स के लिए, MP2B लॉयर,
एमपी गिरी डेविस से मिले, जीएसपी प्लस स्टेटस पर बातचीत। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में चोटिंग के रॉयल महल में अशाइया का अहतमाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड वाजिद खान ने किया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान, मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसर्रत, चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन मखदूम तारिक, मेम्बरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शरीक हुए। अर्जेंटाइन के सफीर का फेरोज सन लेबोरेटरीज लिमिटेड का दौरा, स्टेट ऑफ द आर्ट बायोटेक प्लांट का जायजा लिया। उधर बेल्जियम के सफीर फ्लिप ड्रॉन्चिन और ट्रेड कमिश्नर आबिद हुसैन की लाहौर चैम्बर आमद, सदर लाहौर चैम्बर मियां नोमान कबीर से मुलाकात की। पाकिस्तान और बेल्जियम के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। काउंसिल जनरल ईरान डॉक्टर रजा नाजरी की पेडमिक हेड ऑफिस आमद, चेयरमैन पेडमिक सैयद नबील हाशमी ने वफ्द को पेडमिक के जेर इंतजाम सनती जोन्स के मुतालिक आगाह किया। ईरानी वफ्द ने सुंदर इंडस्ट्रियल सेट और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का दौरा भी किया। फ्लैटीज होटल में एड्स के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फैसल मसूद समेत तलबा, ट्रांसजेंडर, समाजी कारकुनान, हेल्थ वर्कर्स शरीक हुए। जिलानी पार्क में पीएचए की सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश सजने को तैयार, रंगीन फूलों की चादर बिछाने का काम जारी। गुले दाऊदी नुमाइश का अफ्तिताह सेल्फी पॉइंट पर 3 दिसंबर को किया जाएगा। और हसन तारिक रहीम नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट तीसरे राउंड अंडर 18 मेंस सिंगल मेंस डबल मुकाबले, असामुल हक और अकील खान भी एक्शन में होंगे। खवातीन मुकाबलों में मुल्क की टॉप खवातीन खिलाड़ी एक्शन में होंगी।